हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांस व्लॉग में। फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि आप बीज कहाँ से लाती हैं और किस तरह से प्लांट्स लगाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अभी तक बीज से कोई प्लांट ग्रो नहीं करा है, सिर्फ एक प्लांट ग्रो करा था, मैरीगोल्ड। तो अब मैंने जो है अपने गार्डन में कुछ बीज देखे, तो मैंने कलेक्ट तो नहीं करे और ना ही मैं करती हूँ, लेकिन मैंने आपके अपने फ्रेंड्स के कहने पर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए ये है बीज एक प्लांट के, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, गुलेबास को कहते हैं। और ये शाम में खिलता है और सुबह ही में इसके फ्लावर बंद हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा है। मेरा ये न्यू प्लांट्स है और मैंने इसको बीज से नहीं ख़रीद के मैं लाई थी, 10 रुपए का एक प्लांट। तो मैंने इसको दो जगह करे थे, 10-10 रुपए के दो, क्या है कि तो ये उसने मुझे दिए थे कि ये दो कलर में है, लेकिन लगने के बाद ये एक ही कलर था। और इसके बीज देखिए काफ़ी बड़े हैं और आपको ऐसे ही प्लांट में लगे हुए दिख जाते हैं, जिसको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये दूसरा प्लांट है मैक्सिकम पेटोनिया, इसको भी मैंने ख़रीद के ही लगाया था, लेकिन मैं आपको इसके बीज दिखा रही हूँ। ये देखिए एक ये इस तरह का छोटे छोटे आजकल ये निकल आते हैं, क्योंकि अब ये इन सब प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब इनका डोरमेंसी टाइम आता है तो ये फिर बीज देना प्लांट शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर सारे प्लांट में यही होता है, तो आप ये कलेक्ट करके रख सकते हैं। और फ्रेंड, ये देखिए ये है हमारी तुलसी, और ये देखिए तुलसी के जो बीज थे ये इसमें ही गिरे हैं, तो इसमें से ये प्लांट बन गए हैं। और जहाँ पे ये होते हैं ये अपने आप गिरते रहते हैं और निकलते रहते हैं। और ये देखिए मैक्सिकम पेटोनिया के मैंने काफ़ी कटिंग्स ग्रो करके रखी हैं, और ये पुराना बहुत मेरा पहला प्लांट्स यही था, और बाकी मैंने 5 प्लांट्स इसके भी और बनाए हैं, और 2-3 मैंने जो है अपने फ्रेंड्स को दे दिए। और ये देखिए ये टर्टल वाइन है, इसमें भी मैंने तो पहली बार इसमें देखे हैं, क्योंकि था तो मेरे पास ये कब से प्लांट, लेकिन मैं कटिंग से ही लगाती थी। और ये देखिए इसके छोटी सी छोटी कटिंग भी आप ज़रा सी मिट्टी में अगर यूं ही भी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छी चल जाती है। फ्रेंड्स, मेरे पास ये 3-4 साल से है, होती तो बहुत, लेकिन गिलहरियाँ नहीं छोड़ती हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा कलर है इसका, बोगेनवेलिया का, जो मैंने कटिंग से बारिश के सीज़न में लगाया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, जब मुझे मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो मैंने इसकी बोगेनवेलिया मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसकी 40 कटिंगें लगाई थी, जिसमें से सिर्फ एक कटिंग सक्सेस हुई थी, क्योंकि जब मुझे जानकारी नहीं थी फ्रेंड्स। लेकिन अब मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के बताऊंगी कि बोगेनविलिया को कितनी इजीली लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए सदाबहार विनका, ये भी प्लांट्स मैं इस कलर के हाइब्रिड में कितनी बार ला चुकी, लेकिन ये कभी मेरे पास टिका नहीं, लेकिन अब मैं फिर लेकर आई हूँ। और पहली मरतबा मैंने इसके देखिए बीज देखे हैं, और क्योंकि सदाबहार जो देसी वाला होता है तो वो तो अपने आप ही इतने सारे हो जाते हैं एक प्लांट्स से कि आपको उसको हटाना पड़ेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट्स अभी जब से लाए हैं मैं बहुत अच्छा चल रहा है। और ये देखिए इसके भी बीज इसी तरह के हैं, अभी ये पूरी तरह रेडी नहीं हुए हैं, छोटे छोटे हैं। इसमें ये देखिए ये है वाला सदाबहार, जो बस गिरते रहते हैं और अपने आप लगते रहते हैं, इसकी तो बिल्कुल भी आपको देखभाल कुछ नहीं करना पड़ती। और ये देखिए इस तरह से इसके अंदर बीज होते हैं फ्रेंड्स। और बीजों को रखना, फिर उसको फिर सेफली करके और ये सब करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मुझे कटिंग से ही लगाना आसान लगता है। और फिर ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि अगर आप एक बार ले आते हैं तो फिर आपके सालों साल जो है आपके पास रहते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए इसके बहुत सारे प्लांट मैं हटा चुकी हूँ, और ये देखिए इसके भी बहुत पुराना ही प्लांट है, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो करा था, और ये देखिए इसके बीज सूख गए हैं और ये इस तरह के हो जाते हैं।
क्योंकि अब इसमें भी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो गई है और जो दो सर्दियाँ आएंगी वो कम हो जाएगी। और ये देखिए फायर बुश है, फायर बुश भी मैं दोबारा लेकर आई हूँ। प्लांट्स मैंने बीज से नहीं लगाया है और इसके बीज भी इसी में सूख जाते हैं। और फिर ये देखिए मैंने कटिंग से लगाया था, 5-6 दिन हो गए हैं और ये अच्छे से जम गया है। तो ये देखिए इस तरह से जो ये निकलती रहते हैं, आप छोटे से भी कटिंग निकाल के और अच्छी सॉयल मिक्स बना के उसमें लगा देंगे तो 5 से 6 दिन में ये आला भी आपका प्लांट चल जाएगा और ये सदाबहार है। और फिर ये देखिए ये मैरीगोल्ड है। हाँ, सिर्फ इसकी मैंने जो है एक फ्लावर जिसके मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ और उसको ही मैंने डाल दिया था। तो ये और ये देखिए कॉस्मोस है, ये भी मेरे गार्डन में नया प्लांट्स है। और मैं इसके भी फूल को जो कि ये 3-4 दिन से खिला हुए हैं और काफ़ी टाइम तक खिले रहते हैं, तो मैं हटा दूँगी और हटा के इसको रख दूँगी, किसी भी गमले में डाल दूँगी। और ये देखिए ये भी जब सूख जाएगा तो ये भी आपके बीज इसके भी रेडी हो जाएंगे, आप इसको भी रख सकते हैं। अगर आप रख सकते हैं तो आप ज़रूर रखिए, क्योंकि अब मेरे पास इतनी जगह तो है नहीं कि अलग अलग मैं बीजों को भी रखूं और फिर उसकी देखभाल कर पाऊं, तो मुश्किल है। तो मुझे ये आसान लगता है। अब ये प्लांट मैं पहली बार लाई हूँ तो मैं जो बीज मुझे मिलते जा रहे हैं मैं गमलों में डालती जाऊँगी। और ये देखिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये देखिए इसमें कितने खूबसूरत का फ्लावर आते हैं फ्रेंड्स, चाइनीज़ वेलवेट के। और क्योंकि इसकी भी कटिंग वटिंग कुछ नहीं करी थी, ऐसे ही चल रहा था, तो इस वजह से इसमें फ्लावरिंग कम है। और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और एक और वीडियो ये देखिए, इसके भी बीज इसके अंदर ही हैं, अभी ये पूरी तरह से पक्के नहीं फ्रेंड्स। ये है हल्दी कुमकुम। वैसे तो मैं इस प्लांट को हटाने की सोच रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े कमले मैंने देखे थे जो, लेकिन ये सीज़न के लास्ट में ही देखने को मिले थे। तो मैं कपड़े अपने ऊपर डाल देती हूँ तो मुझे लगा कि शायद सेफ ना हो। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस तरह से आप अपने पौधों को देखिए। अगर आप एक भी पौधा लाते हैं तो पहले उसकी ही कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो आप पहले परमानेंट प्लांट को ही लगाइए और धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगा कि प्लांट्स को कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे बीज कलेक्ट करना है। और आपको जो ईजी तरीका लगे आप वो करिए। मुझे तो यही लगता है कि मैं बाज़ार से अगर 10 या 20 रुपए का प्लांट ला के मैंने अगर 10 प्लांट बना लिए तो वो बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई थी उसके लिए सॉरी। और ये सारे पिटोनिया भी मैंने ख़रीद के लगाए। थैंक यू।